तुम्हारे हिसाब से ये फोन कितने का मिले तुम बाई कर लोगे? 35 तक का मिलेगा तो बाई कर लूँगा। पक्का कोई ऐसा फोन नहीं लोगे जो IQ, वीवो, 29e और ये सब इन्फिनिक्स के GT 00 वाले, 30-35 हज़ार वाले? नहीं, और रीजन ये है ना कि डेलीजेंस में जैसे फीचर्स वगैरह वो सारे प्रो लेवल के हैं और यूजफुल हैं। और दूसरा ऑब्वियसली बात है, ये ना S23 अल्ट्रा की तरह लगता है, तो स्टेटस सिंबल ही मैटर करता है। देखा गाइस, स्टेटस सिंबल मैटर करता है। स्टेटस सिंबल तभी आ सकता है जब आप एक महंगा वाला फ़ोन लेके टहलें, भले ही वो आज लॉन्च हुआ मैंने इस साल या 1-2 साल पहले लॉन्च हुआ। तो ऐसा ही आपको मैं एक सुपर क्रेजी फ़ोन दिखाता हूँ। इस फ़ोन में आपको मैं कुछ साइलेंट फीचर बताता हूँ, जैसे कि सुपर सॉलिड मस्कुलर मेटालिक फ्रेम वाला फ़ोन है, 2K AMOLED डिस्प्ले विद दी गोरिल्ला ग्लास विक्टस, जो कि किसी भी फ़ोन में आज के प्राइस में 30 में नहीं मिलता है, तो मैंने प्राइस डिस्क्लोज कर दिया। ऑल्सो 5x ऑप्टिकल जूम, वायरलेस चार्जिंग, IP रेटिंग, स्टीरियो स्पीकर्स, SD कार्ड, क्रेजी गेमिंग परफॉर्मेंस, आई मीन व्हाट नॉट, जो आप एक अच्छे फ़ोन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये फ़ोन आप बाई कर सकते हैं एज लो एज 30,000, और मे बी मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने 28-27 में बाई किया। वो डिपेंड करता है कि आप ये डील कहाँ से पा जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स गाइस, ये फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G। फर्स्ट सैमसंग का फ़ोन है इंडिया में जो 5G के साथ आया था, यानी कि फ्यूचर प्रूफिंग भी है। चलिए बात करते हैं गाइस, इस फोन को मैंने कुछ दिन यूज़ किया और फ्रेंकली मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ। ऑल्सो एक कॉमन माइंडसेट ये भी होता है ना कि अगर आपने एक फ्लैगशिप फ़ोन लिया है तो उसकी लाइफ क्या होती है, स्पेशली एंड्रॉयड में लाइफ। 1 लाख का फ़ोन आपने लिया, 3-4 साल चला सकते नहीं चला सकते हैं। ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो 1 लाख के आसपास हुआ था, लेकिन अब आप इसको जैसे मैंने बताया बहुत ही कम प्राइस में बाई कर सकते हैं। फ़ोन तो आपने देख लिया, अब मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। शॉर्ट में तो आपको मैंने दिखाई दिया था, लेकिन अगर आप डिज़ाइन देखें, और मैं लेटेस्ट सैमसंग का डिज़ाइन दिखाऊँ आपको, ये इस साल का फ्लैगशिप है, 3 साल पुराना फ्लैगशिप है। कोई मेजर डिज़ाइन चेंज नहीं है, जस्ट कैमरे के लेआउट में फ़र्क है। कूल बैक पैनल वैसे ही कर्व है, कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्रॉन्ज कलर है जो लास्ट ईयर के 22 अल्ट्रा में आया था। एंड अदर फैक्टर्स आप देख सकते हैं, बहुत हैवी भी नहीं गाइस, लाइक ये फोन बहुत हैवी है, ये थोड़ा सा लाइट वेट टाइप का है। टॉप में आपको यहाँ पे ड्यूबल 5G सिम कार्ड प्लस SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है। बॉटम में यहाँ पे एस पेन भी दिया गया है, और आप स्टाइलस भी कह सकते हैं। ड्यूबल स्टीरियो स्पीकर्स ऑफकोर्स यहाँ पे मिलेंगे मिलेंगे। बटन भी एकदम कंफर्टेबल पोजिशन पे है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी एकदम एग्जैक्टली वहीं पे है जहाँ पे होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बॉटम पे स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा। डिस्प्ले तो मैं बाद नहीं आता हूँ, किसी भी एंगल से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गाइस ये एक फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, ट्रू फ्लैगशिप लुक है। कमाल की चीज़ तो बाहर से दिख गई, अब आपको और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। चलिए इनसाइड चलते हैं और डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। मैं आपको साइलेंट फीचर बता दूँ जो ऑफकोर्स आपको आज के किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा अगर आप 30,000 में वो फ़ोन बाई करते हैं। जैसे कि एक लाइन सी लगी है, लास्ट ईयर से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि कर्व डिस्प्ले का ट्रेंड देना है। वीवो ने स्टार्ट किया, देन रियलमी, देन लावा, अब IQ और इन्फिनिक्स, मोटरोला, वन प्लस ने भी अफोर्डेबल में भी लॉन्च कर दिया 40 में, लाइक सभी में ये चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ दी गई है। अब ये बिगेस्ट AMOLED डिस्प्ले है जो आप किसी फ़ोन में पा सकते हैं। सीरियसली गाइस, 6.9 इंचेस का फ़ोन आपको मिलते ही नहीं है, वो भी 2K रिजोल्यूशन विद दी गोरिल्ला ग्लास विक्टस। और ये फर्स्ट सैमसंग का फ़ोन था जिसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट दिया गया था। ये कोई LTP भी नहीं है, लेकिन 2x डायनेमिक AMOLED है, और ये एज लो एज 10 हर्ट्ज तक जा सकता है फॉर दी बेटर बैटरी सेविंग। और आप ज़्यादा बैटरी सेविंग करना चाहते हैं तो आप उसको फुल HD भी चला सकते हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है, एंड अगर आप इंडोर आउटडोर कहीं भी यूज़ करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस जो यहाँ पे कर्व दिया गया है ना, वो बहुत ही सेक्सी फील होता है। डिस्प्ले तो आपने देख लिया, डिज़ाइन देख लिया, अब सुपर क्रेजी फीचर जो कैमरा, यानी कि आप जो भी मिड रेंज फ़ोन देख लीजिए 30,000 में आते हैं उसमें जस्ट मेन कैमरा ये गाइस अच्छा होता है, बाकी सारे वेस्ट होते हैं। यहाँ पे कोई भी यूजलेस कैमरा सेंसर नहीं दिया गया है। स्पेक्स आप देख लीजिए, हायर मेगा पिक्सल भी है, 5 टाइम्स ऑप्टिकल जूम है। यूसी रिसेंटली रेनो का फ़ोन आया था जो आप बाई कर सकते हैं 36-37 हज़ार में, उसमें 2x ऑप्टिकल लेंस था, कितनी तारीफ़ें की गई थी, और बहुत ही वाहियात कैमरा था, क्लासी अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। वीडियोस फ्रंट की बात करें तो आप इससे 8K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4K 60K क्रेजी वीडियोस विद द सपोर्ट ऑफ OIS, है ना गाइस, फ्लैगशिप।
फीचर्स जो आपको कम प्राइस में मिल रहे हैं। कुछ मैंने रैंडम शॉट्स लिए हैं, वो आप टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्वालिटी कैसी है। जैसे सैमसंग की पहले टेंडेंसी होती थी ना कि थोड़े से बूस्टेड शॉट्स दिखाने की, तो वो आपको यहाँ पे लुक मिल सकता है बिकॉज लेटेस्ट सैमसंग के फोन्स में ऐसा खत्म कर दिया गया है, लाइक सैमसंग ने ये चीज़ें खत्म कर दी हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी चीज़ें मेंटेन है। जूमिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर पेरिस्कोप लेंस है तो आप काफ़ी क्रेजी जूम कर सकते हैं। 5x ऑप्टिकल दिया गया है और आप एज हायर एज 50x जा सकते हैं। और यहाँ पे मून शॉट का भी ऑप्शन दिया गया है। यस, वो 50x तक है, आप 100x नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन केस आप वो चीज़ें मिस करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। अल्ट्रा वाइड भी बहुत ही यूजफुल है, सभी फ़ोटोज़ में आपने देखा डायनेमिक रेंज डिटेल्स बहुत ही एक्सलेंट है, बिकॉज ये फ्लैगशिप फ़ोन था तो फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस उस टाइम पे इसमें दी गई थी। लो लाइट में यस थोड़ा सा आप स्ट्रगल फील कर सकते हैं कि लाइक सम शॉट्स पे नॉइस आ जाती है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो सैंपल का डेमो दिखाता हूं। चिल्लाना शुरू करें, बुला लेते हैं तो थोड़ा एनर्जी दिखाना पड़ेगा बुलाने के। ये मैंने इस फोन के वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड किया है 5x ऑप्टिकल जूम करके। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप देखोगी, फर्स्ट जैसे कि हो सकता है ये आपको डिटेल्स लेके थोड़ा सा डार्कनेस जाता है, लेकिन जो रिचनेस है ना, जो ऑडियो आउटपुट आ रहा है, जो आप जूम करके वीडियो बना पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप किसी भी फ़ोन में इस प्राइस रेंज की नहीं पा सकते हैं। तो ये यहाँ पे अच्छी बात थी। तो इस फ़ोन की तो मैंने कोई रियर कैमरे की बात कर ली, फटाफट आपको मैं कुछ कंपैरिजन दिखाता हूँ इस जनरेशन के S23 Ultra के साथ में इस फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, आप वो डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि CPU थोड़ा सा पुराना है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी है, तो ऑफकोर्स हल्की सी डिटेल आपको बेटर फील होगी सैमसंग के लेटेस्ट फोन्स में, और इस फोन में थोड़ा सा वो कम हो जाएगा बिकॉज गाइस 3 साल में टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। लेट्स टॉक अबाउट दी फ्रंट कैमरा गाइस। यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप फ्रंट कैमरे से 2 4K 60 की वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि अब स्केलिंग टाइप बनी है, बहुत ही बेटर क्वालिटी आ रही है। लाइक जैसा दिख रहा है वैसे ही आ रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, जैसे कि ऊपर देखिए बहुत बड़ा शॉट बॉक्स लगा है, लाइट ऊपर पड़ रही है लेकिन प्रॉपर डिटेल्स मेंटेन, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एकदम उड़ गया है। आप देख सकते हैं हेयर पे, स्किन पे, फोरहेड पे, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। प्लस ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये इस फ़ोन के कैमरे से है, सुबह वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे माइक की क्वालिटी कैसी आ रही है। कुछ सेल्फी भी आप देख सकते हैं, वो भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पोर्ट्रेट शॉट्स भी बहुत ही सही आ रहे हैं, तो सेल्फी कैमरा भी इसका अभी भी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का है। ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 से लॉन्च हुआ था, इस फ़ोन को एंड्रॉयड 13 मिल चुका है और ये फ़ोन लास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे चल रहा है। अब इसको और कोई अपडेट नहीं मिलने वाला है, जस्ट 1 एडिशनल आपको सिक्योरिटी पैच मिलेगा। अभी तौर पे वही सॉफ्ट एक्सपीरियंस पा रहे हैं जो सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स में चल रहा है। बाकी अदर टूल्स में आप जानते हैं यहाँ पे एस पेन मिलता है, तो आपको सारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स मिलते हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं इस फोन में। प्लस एडिशनल जैसे कि यहाँ पे बटन से आप सेल्फीज वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। अब पुराने फ़ोन के साथ गाइज एक ये तो ड्रॉबैक रहता है कि जो CPU होता है वो उस टाइम का तो क्रेजी होता है, लेकिन आप जानते हैं कि CPU बड़े फास्ट इवॉल्व हो रहे हैं। इंडिया में जो वर्जन आया था वो एक्सिनोस वाला आया था 990, ये 5G वाला था। इंडिया से बाहर ग्लोबल जो भी फ़ोन आए थे वो 865 से आए थे। तो अगर आप एक्सिनोस वेरियंट लेते हैं तो गेमिंग करते हुए आपको एक छोटा सा कॉन्स ये लग सकता है कि वो अल्ट्रा HD सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन बाकी बहुत ही बढ़िया गेमिंग फोन आप पा सकते हैं। गेमिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया, राइट। वैसे आप इसको यूज़ करेंगे गाइस आपको जरा सा भी नहीं लगेगा कि फ़ोन अभी भी लैग कर रहा है। लाइक आप साउंड ले सकते हैं कि फ्लूडिटी कितनी अच्छी है, एकदम बिंदास काम कर रहा है, कुछ भी ओपन करना मिनिमाइज़ करना एकदम सुपर फ्लूइड परफॉर्मेंस अभी भी मिल रही है। अब चलिए आपको फटाफट में स्पीकर का डेमो देता हूँ। तो स्पीकर कैडम आपने देख लिया, ऑफकोर्स जो उसकी लाउडनेस है वो आजकल के फ्लैगशिप लेवल की नहीं है, थोड़ी सी कम है बिकॉज 3 साल में स्पीकर्स भी काफ़ी इम्प्रूव हो गए, लेकिन जो रिचनेस है, डिटेल्स है, बेस है, बिट्स हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल की हैं। किसी भी आप मिड रेंजर वाले फ़ोन से कपड़े करेंगे ना, उससे तो ये ऑफकोर्स गाइस बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऑल दी अदर फीचर्स गाइस अबाउट दी बैटरी, ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। इस फ़ोन के बॉक्स में चार्जर भी मिलता था अगर आपने पहले लिया होगा। बैटरी बैकअप मेरे यूसेज में ये फुल वन डे है, लाइक मैं जो प्रीमियम फ़ोन चलाता हूँ सैमसंग का,
ये भी मेरे लिए वन डे चलता है। अगर आप सुपर हैवी यूज़र हैं तो आपको अराउंड 4-4.5 घंटे का सोना टाइम मिल सकता है। कैजुअल यूज़र हैं तो आप आसानी से दिन तो बड़े आसानी से क्रॉस कर ही लेंगे। अब सवाल ये उठता है गाइस कि ये फ़ोन आप कहाँ से बाई करें, अगर करना चाहते हैं। मैंने कहाँ से बाई किया? मैंने ये जो फ़ोन बाई किया था, ये मैंने बाई किया cyberview.com से, बिकॉज मुझे एकदम ओरिजिनल फ्रेश कंडीशन फ़ोन चाहिए था जिसमें कोई भी स्क्रैचेस ना हो, सिंगल स्क्रैचेस ना हो फ़ोन में, विथ बॉक्स, विथ बिल, विथ ओरिजिनल एक्सेसरीज। दैट्स व्हाई मुझे ये महंगा पड़ा। मैंने ओलेक्स पे सर्च किया, कई प्लेसेस पे, लखनऊ, कानपुर, गुड़गांव, दिल्ली, जो मैंने एवरेज फाइंडिंग की, जो हमने चैट करके ये निकाला कि ये फ़ोन अगर आप ओलेक्स के थ्रू बाई करते हैं किसी नॉर्मल एंड यूज़र से, तो आप उस फोन को आसानी से 30-35 तक, डिपेंड करता है किस क्वालिटी में आप पाते हैं, आसानी से आप बाई कर सकते हैं। एक कैच ये भी है, अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लेते हैं, लाइक रिमेंबर जब हमने आपको रिसेंटली दिखाया था स्टिंग ऑपरेशन, जब हमने आईफोन 12 बाई करने गए थे, वहाँ पे हमने ये देखा था कि ये जो सैमसंग के फ़ोन से जो इंपोर्टेड वाले होते हैं, जिसमें मैंने कहा था ना आपको परफॉर्मेंस में इसका जो इम्पोर्टेड एडिशन होगा उसमें 865 होगा जो आप बाहर वो लेंगे, वो विदाउट बॉक्स आता है, विद बॉक्स भी आपको मिल सकता है, वो फ़ोन आप आसानी से 30,000 तक पा सकते हैं एकदम फ्रेश कंडीशन में। 30-35 आपको बार्गेन करना पड़ेगा। हमने ऑफलाइन में यही देखा था कि ये 30-35 तक आसानी से मिल जाता है अगर आप विदाउट बॉक्स लेते हैं, विद बॉक्स लेंगे तो आपको 35 तक आसानी से पड़ सकता है। मैंने आपको सारे रेट बता दिए। अगर आप एक साल के लिए और फ़ोन चलाना चाहते हैं, या आप जस्ट एक फ्लैगशिप फ़ोन इंजॉय करना चाहते हैं कि क्या क्या उसमें बढ़िया डिस्प्ले, लुक्स, वो सारी चीज़ें होती ना जो स्टार्टिंग वीडियो में बताया था ना कि लाइक मैटर करता है स्टाइल, तो ये फ़ोन बड़ा अच्छा। अगर आप 2-3 साल के पर्पज़ सोच रहे हैं तो शायद आपको ये फ़ोन थोड़ा सा आउटडेट लगेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी में, जैसे कि ऐसा नहीं कि बिल्ड क्वालिटी ख़राब है, जो जैसे कैमरा क्वालिटी है वो 2-3 साल में और इन्फीरियर हो जाएगी, जैसे कि आजकल के फ़ोन बहुत बेटर होने लगे हैं इन टर्म्स ऑफ सेंसर की क्वालिटी में, वो यहाँ पे ड्रॉबैक थोड़ा सा रह सकता है। बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वैरी करती है क्योंकि फ्यूचर टेक्स बेटर हैं, चार्जिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मिलने लग रही है, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी आपको कम लग सकती है। अगर आप एक साल के पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तब तो ये फ़ोन अभी भी बड़ा ही अमेजिंग लगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस विद द गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। आपके हिसाब से और कोई फ़ोन जो लगता है कि आप देखना चाहते हैं या मैं ट्राई करूँ जो सुपर क्रेजी रहेगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट। स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर सच वीडियोज़। दिस इज सौरभ।